नमस्कार, आप सबका स्वागत है। झारखंड के मसाला कारोबारी अमरेंद्र कुमार सिंह ने खुद को फर्जी एमएलए बताकर यहां के सर्किट हाउस में कमरा बुक किया और फिर गर्ल फ्रेंड को लेकर 7 दिन तक रुका रहा। मामले के खुलासे के बाद उसकी पत्नी सामने आई है। बताया जा रहा है कि आरोपी अमरेंद्र शादीशुदा है और उसकी एक बच्ची भी है। आरोप है कि अमरेंद्र की कई गर्ल फ्रेंड है। बताया जा रहा कि 16 दिसंबर को आरा के सर्किट हाउस में मसाला कारोबारी अमरेंद्र कुमार सिंह ने कमरा बुक कराया था। उसने मोबाइल से यहां फोन कर खुद को झारखंड का एमएलए बताया था। यहां वो अपनी गर्ल फ्रेंड के साथ पहुंचा था, जिसे उसने अपनी पत्नी बताया। जानकारी के मुताबिक 7 दिन के बाद वो पैसा लाने की बात कहकर चला गया, फिर वापस नहीं लौटा। उसने सारा सामान भी यहीं छोड़ दिया। मामला तब खुला जब 31 दिसंबर को आरा सिटी के नवादा थाने में पहुंची शालिनी देवी नाम की एक महिला ने अमरेंद्र कुमार सिंह को अपना पति बताया। उसके अनुसार अमरेंद्र मूल रूप से जयप्रकाश नगर पटना का निवासी है। पहले झारखंड प्रदेश के रांची के जगन्नाथपुर धुरवा में रहता था। उसके पिता विधानसभा में जाया करते थे। 11 साल पहले उससे लव मैरिज की थी। उसकी एक बेटी भी है जो 7 साल की है। सर्किट हाउस में छोड़कर गए बैग से पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के आसनसोल की रहने वाली एक लड़की का आधार कार्ड भी मिला था। बताया जा रहा कि अमरेंद्र उसी लड़की के साथ ठहरा था। वहीं शालिनी ने भी बताया कि जिस लड़की के साथ उसके पति सर्किट हाउस उसने ठहरे वे आसनसोल की रहने वाली है। उसके अपहरण को लेकर 6 नवंबर 2017 को आसनसोल के एक थाने में मामला दर्ज कराया गया था। नवादा थाने के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने बताया कि सर्किट हाउस के केयर टेकर राजू प्रसाद ने बयान पर नवादा थाने नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जाएगी। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। जानकारों के अनुसार राज्य के बाहर के किसी भी मानीय के लिए सर्किट हाउस का कमरा उसके पैड पर लिखकर संबंधित जिला प्रशासन को भेजे जाने के बाद ही अलॉटमेंट करने का प्रावधान है। 3 दिनों से अधिक दिनों के लिए अलॉटमेंट नहीं किया जा सकता है। 3 दिनों से अधिक दिनों तक ठहरने पर दोबारा अवधि बढ़ाने के लिए पैड पर लिख कर देना होता है, लेकिन इस प्रकरण में ऐसा लिखा पढ़ी होने की बात खुलकर सामने नहीं आई है।